गिर जाते हैं, जो बच्चे बड़े तुरंत बताओ अल्लाह हम तो ऐसा हम तो वैसा हम तो वैसा हम तो वैसा, पहली चीज। दूसरी बात, बच्चे ये जरूरी है बच्चे की जो चीज जितनी मुश्किल है वो उतनी मुश्किल से आपको समझ में भी है, ज्यादा आसान की गई चीजें कई बारी, क्योंकि इंसान सच पे जल्दी यकीन करता है कि झूठ पे जल्दी यकीन करता है, तो आंसर है झूठ पे जल्दी यकीन करता है, सच पे नहीं, सच पे वो दोबारा से चेक करता है। रीजन बच्चा हमारे पास ये है कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि ये पर्सन बड़ा ईमानदार है या ये सामान कभी टूटेगा नहीं, तो आप उसको गिरा कर देखोगे सच बोल रहे झूठ बोल रहे। लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है अरे ये तो टूट जाएगा, आप मान लोगे, अब बंदा ये बंदा झूठा है, मान लोगे कि बंदा झूठा है, क्योंकि वो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ पे जल्दी यकीन होता है। इस वजह से याद रखना, जो कॉन्सेप्ट जितना मुश्किल है वो उतना ही मुश्किल होता है। अगर कोई पर्सन बोलता है मैं इसको बहुत बहुत ईजी कर, नहीं हो सकता ईजी भाई, ये ईजी कैसे कर दोगे आप इसको। और अगर वो आपको कुछ तरीके से करवा रहा है वो एक ही तरीके पे चलेगा, यानी कि वो ऐसी हो जाएगी चीज जैसे थूक से आप किसी चीज को चिपका रहे हो, वो उस वक्त तो चिपकी हुई नजर आएगी, बाद में उखड़ जाएगी, और बाद में ऐसी उखड़ेगी कि आपका दिल भी उखड़ जाएगा। तो पॉइंट याद रखना, जितनी चीज मुश्किल है उसको उसी लेवल के ऊपर करना, उसके अंदर लेवल नीचे नहीं गिराना। ये सीबीएसई का क्वेश्चन, और हमारे पास यहाँ पर क्या पोजिशन, और आपके पास फोकल लेंथ है L1, हमारे पास यहाँ पर आपके पास L1 है, और यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब मुझे बताना है कि इमेज आपके पास कैसे बनेगी, ये इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। याद करो मैंने पिछली बारी आपको क्या बताया था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। मैंने पिछली बारी क्या बताया था, मैंने पिछली बारी ये बताया था कि लेंसेस बहुत बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन अब लेंसेस क्लोज नहीं है, अब लेंसेस अलग अलग है। अगर क्लोज होंगे इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालकर आंसर आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आएगा। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हमारे पास लाइट यहां पर ट्रेवल करेगी, ये लाइट कहां पर जाएगी, इसके ये इस वाले ऑप्टिकल एक्सेस के पास, उसके बाद क्या करेगी, इट विल ट्राई टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो पहली चीज है बच्चा हमारे पास L1 पे आप जरा फॉर्मूला लगाओ, तो ऑब्जेक्ट 50 पे है और यहां से हमारे पास लाइट जा रही है, तो यहां से ये लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, ये लेंस मेरे पास L1, तो 1/V1 - 1/U = 1/ आपके पास F। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ रह गई है, इसकी फोकल लेंथ L2 के आपके पास आ गई है, इसकी फोकल लेंथ बच्चा हमारे पास आ गई 15 आपके पास सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। तो मेरे पास यहां पर 1/V1 - 1/ आपके पास -50 = आपके पास यहां पर 1/10 पॉजिटिव का, जल्दी बताओ सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 1/V1 = 1/10 -1/50, और 1/V1 नीचे एलसीएम आ जाएगा 50, ऊपर बच्चे हमारे पास 5 - 1, तो बताओ V1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो V1 50/4 का मतलब क्या आ गया जरा बताओ, 50/4 का मतलब क्या? कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1 और यहां पर क्या बच जाएगा 1, तो आपके पास 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, शाबाश बताओ 12.5 आ जाएगा, यस और नो। चलो इसका मतलब अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। यहां से जो आपके पास इमेज बनेगी वो तो बननी चाहिए थी कितने के ऊपर जाकर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा कंकेव, या बेटा बोलो तो कंकेव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, वो आगे की बात है हमारे पास, यहाँ से बच्चा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी, इससे ये ध्यान रखना, ये पहले लेंस से V1 डिस्टेंस के ऊपर आपके पास पहली इमेज बनेगी, ये पहली इमेज बनेगी बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे पास पहली इमेज बनेगी 12 यहां से, इससे बच्चा आपके पास 12.5 के ऊपर जाकर इमेज बनेगी, यानी कि ये लाइट आपके पास आगे की तरफ को कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी, ये 5 सेंटीमीटर तो कवर कर जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद बच्चा हमारे पास ये लाइट कन्वर्ज कर पाएगी अपने आप को, क्या लगता है बच्चा आपको, क्या ये लाइट अपने आप को कन्वर्ज कर पाएगी, आंसर है नहीं, यानी कि यह हमारे पास पहली आपके पास वर्चुअल इमेज बन जाएगी।
ये आपके पास आई वो। आपको जो बात सिखा रहा हूं उसको दिमाग में रखना, जो हमारे पास पहले लेंस की इमेज होगी, जो पहले लेंस की इमेज होगी उसको ट्रेस करना पूरी तरीके से कि ये पहले लेंस से 12.5 सेंटीमीटर पे आपके पास बन जरूरी है, लेकिन जैसी ये लाइट यहां पर पहुंचेगी इसको कौन सा लेंस मिल जाएगा बताओ, कौन सा लेंस मिल जाएगा इसको, लेंस कौन सा मिल जाएगा बताओ, कनकेव। तो कनकेव क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, तो आंसर है सर ये तो डाइवर्ज करता है। तो ये इमेज किसको मानेगा, ये आपके पास है यहां पर इस इमेज को, पहले की इमेज को ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा, और यहां से इसकी दूरी कितने के बराबर है, L2 से ये इसके पहले के इमेज की दूरी कितने के बराबर है, तो आंसर है 12.5, 12.5 माइनस ऑफ 5, तो बताओ कितने के बराबर आ जाएगी, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास यहां पर आपके लिए एक कन्वेक्स लेंस था, इसके आगे मेरे पास यहां पर आपके पास एक कनकेव लेंस था, यह हमारे पास कनकेव लेंस था, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट आपके पास यहां से आई, यहां पर पहुंची, ये लाइट कन्वर्ज होना चाहती है, कन्वर्ज कहां पर होना चाहती है बताओ, शाबाश, ये कन्वर्ज होना चाहती है आपके पास 12.5 पे, ये अपने ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर पे बच्चे कन्वर्ज होना चाहती है, 12.5 से, लेकिन 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करते ही, 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करते ही इस लाइट के सामने कौन आ गया बच्चे हमारे पास बोलो, इस लाइट के सामने मेरे पास कनकेव लेंस आ गया, जो कि अब इसकी इस इमेज को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज तैयार करेगा। अब हम L2 की बात करते हैं, अब हम L2 की बात करते हैं, मैं लेंस L2 की बात करता हूं, मैं लेंस L2 की बात करता हूं, यहां पर जो हमारे पास है लेंस L2, ये जो मेरे पास यहां पर लेंस है L2, ये लेंस L2 से इसके पहले वाले की इमेज जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये अब मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मैं 7.5 सेंटीमीटर को पॉजिटिव मानूंगा कि नेगेटिव मानूंगा, आंसर है मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। याद करो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो ओ डैश से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी फोकल लेंथ जो 15 है बच्चे हमारे पास 15 सेंटीमीटर, आप उसको क्या मानोगे, आप उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे, तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे क्योंकि कनकेव। तो अब बताना है बच्चे हमारे पास कि हमारी फाइनल इमेज किस तरीके से तैयार हुई, तो बताओ कैसे तैयार हुई, 1/v final - 1/v1 = 1/ आपके पास f, 1/ हमारे पास f, यहां पर 1/v निकालना है, -1/ अब बच्चे हमारे पास 7.5, आप इसको u1 ले लीजिए, नहीं तो u1 ले लीजिए 7.5, क्योंकि मुझे इसके ऑप्टिकल सेंटर से i1 तक का डिस्टेंस निकालना है, इज इक्वल टू 1/15 और 1/v इज इक्वल टू 1/15 और यहां पर प्लस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 7.5। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो देखो एक तरीका और भी है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो नीचे भी 15 आ जाएगा, और मेरे पास 1/v इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर इसको, हाँ बोलो सेक्शन बोलो बेटा, सर 1/15 नेगेटिव नहीं होगा, हाँ नेगेटिव होगा, ठीक है थैंक यू बच्चे, ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/ -15 प्लस ऑफ, इजी कैलकुलेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये आ जाएगा, तो 1/v अब बताओ किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा 2 - 1/15, तो बताओ v की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे, 15 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब इसको रे डायग्राम से समझते हैं, ये कनकेव लेंस क्या करेगा, ये आती हुई रे को
बजाय 12.5 सेंटीमीटर अपने सेंटर से ये इसको डाइवर्ज करके थोड़ा आगे जाकर फोकस कर देगा, ये इसको डाइवर्ज करके बच्चे थोड़ा आगे जाकर फोकस कर देगा। और कहां पर जाकर फोकस कर देगा, अपने सेंटर से कितनी दूर जाकर फोकस कर देगा, द आंसर इज 15 सेंटीमीटर, द आंसर इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है, अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी करेगा तो उसको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सिंपल डेफिनेशन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन सिंपल, और मैं आपको बता देता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ फिर दोबारा बता रहा हूँ, सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर करेगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट लेगी सीबीएसई। अगर ओमिक्रोन के हालात नहीं सुधरे तो फिर सीबीएसई आपका दोबारा से ऑब्जेक्टिव पेपर लेगी। और ऑब्जेक्टिव पेपर मैं आपको बता देता हूं, पिछली बारी मैथ्स का इजी आया था, रीजन दो, एक आपके पास बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वालों ने भी देना था साथ में, और दूसरी बात बच्चे हमारे पास ये भी ध्यान रखना कि सिलेबस मैथ्स का इतना टफ नहीं था, केमिस्ट्री का भी बच्चे इतना नहीं था, फिजिक्स ठीक ठाक था, बच्चे जी लेवल के क्वेश्चन थे दो तीन उसमें से। अब अगर ऑनलाइन पेपर होता है इंटीग्रेशन आपको मारेगी, इंटीग्रेशन आपके टाइम को लेगी, याद रखना मेरी बात को, केमिस्ट्री के अंदर भी ठीक ठाक अब चैप्टर आ जाएंगे, और बच्चे फिजिक्स के अंदर तो रे ऑप्टिक्स आपकी हालत, मैं आपको कल एनालिसिस मैंने आपको भेजी है, अब तक बच्चे कितने क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में से पूछे जा चुके हैं, आप समझो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके क्वेश्चंस की है, मॉडर्न फिजिक्स के। अब मॉडर्न फिजिक्स में जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो तो भूल जाए कि वो नीट क्वालिफाई कर सकते, बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता नीट क्वालिफाई। और नीट मैक्सिमम बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, रीजन दो तीन है, एक मॉडर्न फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते, हो जाएगा खत्म हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, और दूसरा उनको लगता है मैकेनिक्स ज्यादा मुश्किल है, मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जिस बच्चे ने ये NCERT के, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, NCERT की प्लस टू की सेकेंड बुक पे जितना ज्यादा फोकस कर लिया उसका जेई और नीट 101% निकलेगा, इस बात की गारंटी, और नहीं तो या तो पेपर देके देख लो, क्योंकि आप तो पहली बार पेपर देखोगे, हम तो हर साल देखते हैं, जो जो बच्चा बात मानता है उसका निकल जाता है, जो नहीं मानता है बात तो वो बच्चा बोलता है कि सर अब मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, वो ड्रॉप करने के लिए जाएगा, ड्रॉप कहाँ करेगा, ओमिक्रॉन वगैरह से तो सब कुछ बंद है, आपको आपको जो है वो कोचिंग के अंदर दो दिन जाओगे तीसरे दिन बोलेंगे कुछ ठीक है, वहां पर भी फिर ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में वो वहां पर तो 300-400 बच्चे, यहाँ पर तो आपको पर्सनल बताया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, वहां पर अगर आप पूछना भी चाहोगे तो भी आपको कोई बोलने नहीं देगा, इस वजह से अभी तैयारी कर लो, आगे का टाइम बहुत बुरा है। तो हमारे पास यहाँ पर, और जो बच्चा इसको हल्के में ले रहा है सीबीएसई के, बेटा हल्के में मत लो, जैसे कोरोना को हल्के में मत लो, इसको भी हल्के में मत लो, ये पेपर में क्वेश्चन अगर आएंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। चलो ये हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक लेंस की जो इमेज होती है काके, वो दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये बात ध्यान रखना, एक लेंस की जो इमेज होती है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस का काके ध्यान रखना, क्योंकि जब आप दूसरे लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस निकालोगे तो वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होना चाहिए, जब आप इस इमेज को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानोगे तो दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पहले वाले की इमेज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको चाहिए फाइनल इमेज निकालने के लिए, कुछ और मत कर देना, और बड़े ध्यान से डिस्टेंस की गेम खेलना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सर ये जो इमेज बनेगी ये फोकस पे बनेगी, मतलब कौन से वाले बच्चे, जो फाइनल इमेज बनेगी वो कन्वेक्स के फोकस पे बनेगी बेटा, आपके पास फोकस पे बन जाएगी बच्चे, बिल्कुल बन जाएगी बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आपके पास है ना, कन्वर्ज कर गया उसको, क्योंकि दोनों लेंस मिलके काम कर रहे हैं, है ना, दोनों लेंस मिलके काम कर रहे हैं, एक अकेला लेंस काम नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ये लेंसेस की कॉम्बिनेशन, और मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बच्चा इसमें फंसता है, और इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कल को आप एक बात बताओ, जब आप MCQ देने गए थे आपने चैलेंज किया कि इसमें से न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी का क्वेश्चन आया था, कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया था,
ये तो देख लेना बच्चे। अब कई बच्चे बोलते हैं सर फलानी जगह पे नकल बज गई। बेटा नकल बज गई कुछ भी हो गया, आप एक बात बताओ, नकल अगर बजती है बेटा तो उस केस में आप ही का नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। और कोई मुझे बोले कि बच्चे नकल मारे क्या करें, मैं पानी दो, अपना भविष्य खराब कर रहे, कल को कहीं पर बैठेंगे तो उनको शर्म आएगी, कल को अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे कि हमने नकल मार के ये पेपर पास किया हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, और अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, मेनली कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज यूज टू इम्प्रूव द विजुअल एंगल, जिससे बच्चे हम विजुअल एंगल को इम्प्रूव कर सकते हैं। विजुअल एंगल बच्चा हमारे पास क्या चीज होती है, हम इसे विजुअल एंगल इम्प्रूव कर सकते हैं ऑफ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स का बच्चा हमारे पास, और या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, या फिर बहुत दूर की चीजें, फार अवे ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास किसी भी चीज की जो साइज होती है, हमारे पास किसी भी चीज की बच्चे अगर हम देखें, हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, उसकी डिटेल और उसकी साइज, उसकी डिटेल्स और बच्चा हमारे पास जो उसकी साइज होती है वो हमको ऑप्टिकल, आपके पास अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल विजुअल एंगल से पता लगती है, ऑप्टिकल विजुअल एंगल से बच्चा हमें पता लगती है, ऑप्टिकल विजुअल एंगल। ये ऑप्टिकल विजुअल एंगल हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है बच्चे, यह हमारे आईज की रेटिना पे बनता है, यह हमारे पास हमारी आईज है बच्चा हमारे पास, और यहां से लाइट आपके पास से फिल्टर, हमारी आंखें भी क्या है बच्चे, एक बहुत बढ़िया ऑप्टिकल डिवाइस है। और हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों के पास रखा जाए और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यह ऑब्जेक्ट क्या करता है, यह हमारी आईबॉल है, यहां से जो लाइट हमारी आंखों को क्रॉस करती है यहां पर, तो ये हमारे आईज के ऊपर क्या तैयार करता है, एक विजुअल एंगल तैयार करता है, ये विजुअल एंगल। और इस विजुअल एंगल से मुझे पता लगता है कि उस बॉडी का साइज कितना बड़ा है या साइज कितना छोटा, ये विजुअल एंगल बन गया। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाता है, विजुअल एंगल बन जाता है, ये बच्चा हमारे पास विजुअल एंगल बन जाता है। अब पॉइंट ये है बच्चा हमारे पास, नंबर वन, हमारे पास मैक्सिमम विजुअल एंगल क्या होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिटेल चाहते हो तो विजुअल एंगल भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपकी आंखों का मैक्सिमम विजुअल एंगल पता कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस्ड, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को बच्चे हम कहां पर प्लेस करते हैं, एट मिनिमम या फिर बच्चे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस, एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, D is equal to 25 centimeter and this is equal to D is equal to 25 centimeter, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी तो मेरे पास वहां पर उसका एंगल, जो विजुअल एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसका विजुअल एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगा, उसका विजुअल एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा, और यहां पर आप उसकी फाइन डिटेल को समझ पाते। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सर ये मुझे समझ नहीं आया सर, मैक्सिमम विजुअल एंगल बेटा, एक चीज है ना, आप अपने हाथों को अपनी आंखों के पास रखो और अपने हाथ को बच्चे अपने नाक के पास लेके आना शुरू करो, और फिर बच्चा हमारे पास क्या होता है कि हम जब अपने हाथों को एक पॉइंट के बाद
पास लेके आना शुरू करते हैं तो आपको अपने हाथ की डिटेल्स फाइन नजर आने लग जाती है कि वो जो विजन आप देख रहे हो वो ब्लर हो जाते हैं। बताओ शाबाश, तभी आप है बेटा ब्लर हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। ये 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैक्सिमम फाइन डिटेल से देख पाते हो, और वहां के अगर आप कम डिस्टेंस करते हो तो विजुअल एंगल बढ़ता तो है पर बच्चा आपको समझ नहीं आता, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आप देख क्या रहे हो, आपको समझ नहीं आ पाते कि आप देख क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ पाते। और इस वजह से बच्चा हमारे पास वहां पर आपकी जो फाइन डिटेलिंग होती है वो गायब हो जाती है। जो आपके पास यहाँ पर फाइन डिटेलिंग होती है बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चे, गायब हो जाती है। यानी कि आपको समझ नहीं आता कि आप देख क्या रहे। इस वजह से इस विजुअल एंगल को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम बोल देते हैं। ये हमारे पास ये रही ऑब्जेक्ट आपके पास, और ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो ये डी डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर, डी डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर के बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आते हो तो आपको आपका विजन पूरी तरह से ब्लर हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। यह मैक्सिमम विजुअल एंगल है कितने सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। और लीस्ट क्यों, मिनिमम क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर आप इसको आगे लेके जाओगे तो आप बोलोगे सर एंगल देखो सर बड़ा हो रहा है, सर एंगल बड़ा हो रहा है, पर इस एंगल के बड़े होने से आपके विजन का क्या रिलेशन है, क्या आपको समझ में आएगा कि आप क्या देख पा रहे हो, तो आंसर है नहीं। आप क्लैरिटी से नहीं देख पाओगे कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, कुछ पता ही नहीं। आप हाथ देख रहे हो पर हाथ में क्या देख रहे हो आपको कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से हम इसको मैक्सिमम क्या बोल देते हैं, विजुअल एंगल एट मिनिमम डिस्टेंस। ये हमारे पास यहां पर क्या बन जाता है, आपके पास आपके आई बॉल के अंदर मैक्सिमम विजुअल एंगल तैयार हो जाता है। नाउ दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल जो तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। हमारे पास अगर हम आगे चलें और एक ऑब्जेक्ट बच्चे में यहां पर रख देता हूं, अब देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से बहुत दूर है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे जो विजुअल एंगल बना रही है, ये मेरी आईज के ऊपर बच्चे जो विजुअल एंगल बना रही है, ये विजुअल एंगल बड़ा है कि छोटा है बच्चे, बताओ जरा। अब ये मेरी आंखों पे जो विजुअल एंगल बनाएगी ये पहले वाले से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे बच्चे, क्या हो रहा है बच्चे आपके पास, क्या हो रहा है आपके पास, ये छोटा होता जा रहा है, ये एंगल हमारे पास छोटा होता जा रहा है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हो तो इसका साइज आपको पहले वाले के मुकाबले बड़ा नजर आ रहा है कि छोटा नजर आ रहा है, छोटा। आपकी आईज इसकी छोटी इमेज बना रही है क्योंकि ये काफी दूर है, इसका विजुअल एंगल छोटा होगा तो इसकी डिटेल हमारी आंखों से चलती जाएगी। तो इसका मतलब बच्चे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वो दूर की चीजों को आपके पास लेके आते हैं या जो चीजें पास है उसको मैग्नीफाई कर देता है ताकि विजुअल एंगल क्या हो सके बच्चे, बड़ा हो जाए। अगर ऐसी बच्चे कोई बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका विजुअल आपकी आंखों में क्या होगा बच्चे, बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, तो आंसर है छोटा हो जाएगा। मेन पर्पस जो कोई टीचर नहीं बताता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मेन पर्पस क्या है, कोई टीचर नहीं बताता है, सब रट्टा मरवाना शुरू कर देते हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका है, विजुअल एंगल का। हमारी आईज के अंदर विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी उतनी बड़ी होगी। तो चाहे तो छोटी चीज को मैं इतना बड़ा कर दूं कि विजुअल एंगल बड़ा हो जाए, या बड़ी चीज की को इतना पास लेके आ जाऊं, उसकी इमेज को इतना पास लेके आ जाऊं ताकि बच्चे हम उसके विजुअल एंगल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो हर चीज को आप कहां पर लेके आने की कोशिश करते हो, बताओ शाबाश, इसका मतलब हर चीज के इमेज को आपने कहां पर बनाना है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विश। आप लेंसेस का इस्तेमाल करके उन चीजों की इमेज को कहां पर तैयार करना चाहते हो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ताकि उसका विजुअल एंगल बड़ा हो जाए और आप उसको क्लैरिटी से देख पाओ। आ रही है बात कुछ समझ में, आ रही है बात कुछ समझ में, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ एक ही पर्पज है। बताओ क्या पर्पज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का,
कोई बच्चा बताए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है बच्चे, ये ट्राई करता है बच्चे ट्राई टू मेक द इमेज, ट्राई टू मेक द इमेज, दिस ट्राई टू मेक द इमेज एट द बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब ये अरेंजमेंट मुझे बनाना है, ये अरेंजमेंट मुझे बनाना है कि मैं किस तरीके से इसकी इमेज को कहां पर लेके आऊंगा, मैं इसकी इमेज को कहां पर लेके आना चाहता हूं, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है बच्चे आपको, हाँ या ना बच्चे? तो हमारे पास यहां पर अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, जिसके अंदर हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। बोल बेटा। सिर्फ 25 सेंटीमीटर पे हमें मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्लियर विजन में दिखाई दे। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर बच्चे 25 हमारी जो विजन होती है बच्चे, हमारे जो ह्यूमन आई है बच्चे वो कहां से कहां तक देख सकता है पता है? हमारी जो आईज होती हैं वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देख सकती है। इसको हम अपने आईज का क्या बोलते हैं बच्चे, नियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, नियर पॉइंट। और इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, फार पॉइंट। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, फार पॉइंट। ये नियर पॉइंट है, ये बच्चे हमारे पास फार पॉइंट है। आप 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक सब देख सकते हो, और जब आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर पे देखते हो तो हमारी आईज के ऊपर स्ट्रेन पड़ती है, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि क्लासरूम लगाते लगाते, क्योंकि आपका मोबाइल फोन भी ज्यादा दूर नहीं होता क्योंकि आपको बहुत क्लोजली देखना है, तो आपकी आंखों में स्ट्रेन आ जाता है। ज्यादातर लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं चश्मे क्यों लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो मॉनिटर है वो अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है, हमारी आईज में स्ट्रेन होता है। लेकिन जब आप इंफिनिटी पे फोकस करते हो तो हमारी आईज नॉर्मल रहती है, या फिर बच्चा हमारी आईज क्या रहती है बच्चे आपके पास, रिलैक्स रहती है। नो डाउट तेरी क्वेश्चन का आंसर यह है, यह हमारे लिए बहुत बेटर है कि हर चीज हम 25 सेंटीमीटर पे देखें, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा प्रज्वल, बता जरा मुझे इससे नुकसान क्या होगा प्रज्वल, बोल शाबाश। हमारी आंखों पे इतना स्ट्रेन पड़ने लग जाएगा, इतना स्ट्रेन कि बच्चा हमारी आंखें जवाब दे जाएगी। इस वजह से हम 25 सेंटीमीटर को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर नहीं चलते, हम बोलते हैं अगर आ जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देते, कोई बात नहीं, आप इंफिनिटी तक फोकस। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बच्चे, लेकिन हम अपनी आंखों से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, चश्मा कहां से लेके आएंगे। इस वजह से हमारी जो ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देख सकते हैं, और विजन के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो यही तो आता है कि आप क्लोज चीजें नहीं देख सकते, 25 सेंटीमीटर के पास की चीजें नहीं देख सकते बूढ़े लोग, और बच्चे हम दूर की चीजें नहीं देख सकते जवान लोग, जो जवान लोग होते हैं बच्चे उनकी आंखों में दूर की चीजें नहीं देख पाते, ठीक है, वो दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो पास की चीजें नहीं देख पाते। चलो खैर, ये हमारे पास चीजें थी, अब हम चलते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपली एक कन्वेक्स लेंस का बच्चा हमारे पास हिस्सा, एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस का हिस्सा बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज अ वेरी सिंपल, ये बच्चा हमारे पास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ सिंपल कन्वेक्स लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ, विद द शॉर्ट फोकल लेंथ, विद द शॉर्ट फोकल लेंथ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। दिस हेल्प अस टू मैग्नीफाई दी माइक्रोस्कोपिक या फिर टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ये माइक्रोस्कोपिक या टाइनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के काम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से नजर आता है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। आप अपने घर पे कहीं से भी कन्वेक्स लेंस का जुगाड़ कर लो, ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सेस आ गया। एक मिनट रुकेगा,
अब आपके पास क्या आ गया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी बच्चा हमारे पास कोई ना कोई आपके पास फोकल लेंथ होगी, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी इसकी कोई फोकल लेंथ है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप बन गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, और ये हमारे पास इस लेंस का क्या बन गया, बोलो शाबाश, ये हमारे पास इस लेंस का क्या बन गया, एपर्चर बन गया, ये माइक्रोस्कोप है। पर काम कैसे करें और हम इसे करना क्या चाह रहे, हम इसे देखना क्या चाह रहे, तो मैं आपको समझा, फोकस करना, हम यहाँ पर एक काम करना चाह रहे हैं बच्चे कि किसी भी छोटी सी चीज की इमेज को कहां पर बनाना चाह रहे हैं, बताओ शाबाश, हम कहां पर इसकी इमेज को बनाना चाह रहे हैं, बोलो शाबाश, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से किस डिस्टेंस पे बनाना चाह रहे हैं, अरे दिमाग लगाओ, थोड़ी देर पहले पूछा, बताया था मैंने आपको, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, आप बच्चे किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या चाहता है बच्चे, बताओ शाबाश, क्या चाहता है आपके पास, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस डेवलप हो जाए और मैक्सिमम एंगल आ जाए, बिल्कुल, हम ये चाहते हैं बच्चे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर बन जाए। अब यहां पर हम एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारे पास इमेज है वो इमेज बच्चा हमारे पास हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर आ जाए, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, देखो कितनी छोटी सी चीज हमने इस लेंस के आगे रखी, क्या ये मैं पहले यहाँ पर इस सिस्टम को पढ़ चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं बच्चे, यहां से हमारे पास लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और ये फोकस में से गुजर जाती है, ये मुझे पता, ये हमें यहाँ पर पता है बच्चे कि यहाँ से गुजर जाती है, और इसके बाद बच्चे हमारे पास ये लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये लाइट डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज भी नहीं कर रही, और हमारे पास अब इस लाइट के बताओ इमेज जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और कहां की तरफ को बनती है, बोलो शाबाश, इसके इमेज हमारे पास वर्चुअल और बच्चा हमारे पास इरेक्ट बनती है और बैक डायरेक्शन के अंदर बन जाती है, ये हमारे पास बन गई इसकी इमेज, ये मैग्निफाइड भी बन गई बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर ये इमेज आपके पास क्या बन गई है, मैग्निफाइड भी बन गई है, और हमारे पास ये इमेज आपके पास कहां पर बननी चाहिए, शाबाश बताओ, ये डी पे बननी चाहिए, ये इमेज हमारी आंखों से कितनी दूर या इस लेंस से, हम अपनी आंखों को इसके बहुत क्लोज रखते हैं, याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप को हम अपनी आईज के बिल्कुल क्लोज रखते हैं, बिल्कुल क्लोज रखते हैं, बिल्कुल पास में, आपने किसी डिटेक्टिव को देखा है बच्चे, जब वो किसी चीज को देखता है तो लेंस को अपनी एक आंख क्लोज करके बहुत क्लोज रखते हैं, जो वॉच मेकर है, जो ज्वेलरी को डिजाइन करते हैं लोग, वो इस सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, सिंपल कन्वेक्स लेंस, और वो आंखों के बहुत क्लोज रखते हैं इसको, और हमारे पास ये आईज को हम बहुत क्लोज रख रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस डी ही है जो आपके आंखों से बच्चे हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पर हमको इसकी इमेज नजर आ रही है, इमेज आपके पास डी है, और डी कितने के बराबर है बच्चे, 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास यू आ गया, ये मेरे पास आ गया ए बी, और साइज ऑफ इमेज क्या आ गई बताओ शाबाश, ए डैश, साइज ऑफ इमेज बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गई, ए डैश, और दूसरा बच्चा हमारे पास बी डैश, सो वी हैव ए डैश और दूसरा बच्चा हमारे पास बी डैश। अब एक बात बताओ, हमारी आंखों पे ये विजुअल एंगल कितना बना रहा है, सपोज कि बीटा, ये इमेज बच्चा हमारी आंखों पर कितना विजुअल एंगल बना रहा है, बीटा, और अगर मैं ओरिजिनल अगर यहां पर देखता हूं, अगर मैं ओरिजिनली देखूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम विजुअल एंगल बनाता डी के ऊपर, तो आंसर है नहीं, हमारे पास विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, मेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी, मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी, अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट आप डी डिस्टेंस पे रख देते, आप यहां से इसको डी डिस्टेंस पे रख देते और बताओ तब ये मेरी आंखों पर विजुअल एंगल बनाता, तो क्या ये अल्फा होता कि अल्फा से छोटा होता, बताओ शाबाश, ये बीटा होता कि बीटा से छोटा होता, बताओ शाबाश मुझे, बोलो, ये ऑब्जेक्ट को मैंने अपनी आंखों से कितनी दूरी पे रख दिया बच्चे, बोलो शाबाश,
मैंने इसको अपनी आंखों से कितनी दूरी पे रख दिया, बच्चे बोलो शाबाश, मैंने इसको डी डिस्टेंस पे रख दिया इस ऑब्जेक्ट को। अब बताओ कि ये मेरी आंखों से कितना एंगल बना रहा बच्चे, बोलो शाबाश, कितना एंगल बना रहा, कितना एंगल बना रहा बच्चे, बोलो अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल बढ़ा है कि बीटा एंगल बढ़ा, जरा देख के बताओ, अल्फा एंगल बढ़ा है कि बीटा एंगल बढ़ा, जरा देख के बताओ कौन सा एंगल बढ़ा, तो बीटा एंगल बढ़ा। यही माइक्रोस्कोप करता है, माइक्रोस्कोप विजुअल एंगल को बड़ा कर देता है ताकि आप उसकी मैग्नीफाइड इमेज को देख पाओ। और यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पता है क्या हो जाएगी, एम, और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, एम, एम दिस इज द विजुअल एंगल ऑफ इमेज, विजुअल एंगल ऑफ इमेज। और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, नीचे हमारे पास यहां पर आ गया विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक इमेज है और दूसरी बच्चा हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास कितना आ गया, बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा। तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर, अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता है मैग्नीफाइंग पावर की यूनिट्स के, अब बच्चों को इसकी यूनिट्स नहीं पता होती, इसकी यूनिट्स होती है एक्स, याद रखना इसके यूनिट्स आपके पास एक्स होती है, लेकिन दिस इज डायमेंशनलेस। ये पॉइंट को याद रख लेना, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, क्या कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की यूनिट आपके पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो एक मेरे पास बीटा और दूसरा बच्चा हमारे पास अल्फा, तो एक मेरे पास यहाँ पर बीटा और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, अल्फा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, जब चेक कर लेते हैं, अगर हम देखते हैं यहां पर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं बच्चे, ट्रायंगल ए बी ओ आपको नजर आ रही होगी, ये ट्रायंगल ए बी ओ, यहां पर बताओ टेंजेंट ऑफ बीटा, और ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो टेंजेंट ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू बीटा, तो ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आ जाएगा, ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा। मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं पी, और ये क्यू, और ये वाली आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर, अगेन आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये अल्फा है, और ये बच्चा हमारे पास पी क्यू अपॉन आपके पास डी के बराबर, ये हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो बीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन यू, और अल्फा की जगह बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इनटू डी। तो अब मेरे पास इसकी मैग्नीफाइंग पावर, इसकी मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास किसके बराबर आ गई, एम, दिस एम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई, मैग्नीफाइंग पावर आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, डी बाई यू के बराबर। तो मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू, अब इसके इसको याद कर लेना, याद कर लेना, और हमारे पास अब दो केसेस आएंगे, केस नंबर वन, अब इसके दो केसेस है, when image is formed at near point, when the image is formed at near point, when the image is formed at least distance of distinct vision, या फिर image is formed for the strained vision, या फिर strained eye, इन तीनों का मतलब हमारे पास एक ही, तो magnifying power निकालना। तो अब हम इसके magnifying power को निकालने के लिए lens formula को use करेंगे, तो हम यहाँ पर lens formula use करेंगे, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by v, यहाँ पर 1 by v, 1 divided by minus of v, क्योंकि image least distance of distinct vision पे बनी है, माइनस ऑफ वन अपॉन माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन, सॉरी एल डी ऑफ डी वी क्या है, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, नाउ दिस इज द लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हमारी इमेज कहां पर बन रही है, व्हेन द इमेज इज फॉर्मिंग एट 25 सेंटीमीटर, एट 25 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से बच्चे आपको सारी चीजें साफ साफ नजर आती है। अगर इसे कम डिस्टेंस करोगे तो चीजें साफ साफ नजर नहीं आएगी, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, आपका ब्रेन यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है लड़के। अच्छा, यहां पर मेरे पास 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/d और 1/f प्लस 1/d मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी, दोनों साइड्स को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू डी अपॉन एफ प्लस वन। अब डी अपॉन यू किसके बराबर है, मैग्नीफाइंग पावर, आपकी मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू है, तो इस केस में आपके डी बाई यू किसके बराबर हो जाएगी, आपके मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ डी बाई यू। ये हमारे पास पहला रिजल्ट, ये हमारे पास पहला रिजल्ट है। लेकिन ये मैग्नीफाइंग पावर कहां पर बन रही है, जब आपके माइक्रोस्कोप के इमेज कहां पर बन रही है, एट बच्चे आपके पास 25 सेंटीमीटर, इस वक्त हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है हमारे आईज के ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, और ये मैग्नीफाइंग पावर वन प्लस डी बाई एफ। लेकिन एक चीज और भी हो सकती है, यहां पर एक और चीज हो सकती है, और सेकंड चीज आपके पास क्या बच्चे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इस वक्त बच्चे हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास यहां पर v की वैल्यू d थी, तो v की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इस वक्त हमको हमारी जो आईज हैं वो आपके पास क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, और हमारे पास यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/ मेरे पास इंफिनिटी माइनस ऑफ 1/ माइनस u, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/u इज इक्वल टू 1/f, इन दोनों को दोनों तरफ से d से मल्टीप्लाई कर दो, तो d बाई यू डी बाई एफ, तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है, d बाई, ये मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास किसके बराबर है, ये मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास d बाई एफ है। क्या ये दोनों मैग्नीफाइंग पावर सेम है, नहीं, ये मैग्नीफाइंग पावर स्ट्रेन्ड आई के लिए, और ये मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल विजन, नॉर्मल आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए। टीचर आपके लिए कोड वर्ड यूज करेंगे, अब बताओ क्या आपके पास दोनों में से कौन सी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, रिलैक्स आई वाली या दूसरी वाली, क्या लगता है बच्चे आपको, बोलो शाबाश, बोलो कौन सी मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर ज्यादा लग रही है आपको, बोलो ये 1/df बड़ी है कि d/f बड़ी है, बोलो 1/df, कौन सी वाली बच्चे, 1/df। चलो, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 25 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन व्हेन, जब बच्चे इमेज इंफिनिटी पे आपको मिलती है, बट लेकिन बच्चे, बट वी प्रेफर, हम यहां पर कौन सी प्रेफर करोगे बच्चे, बताओ शाबाश, वी प्रेफर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी बाई एफ फॉर आपके पास वी, आप देखने के लिए यहां पर डी बाई एफ को यूज करोगे, बताओ क्यों, हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार, लेकिन बच्चा हमारे पास, हमें आईज के ऊपर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ये नो डाउट आपके पास यहाँ पर बेटर मैग्नीफाइंग पावर है, लेकिन हम प्रेफर किसको करते हैं बच्चे, बताओ शाबाश, हम प्रेफर किसको करते हैं, डी बाई एफ को, और हम डी बाई एफ को क्यों प्रेफर करते हैं बताओ शाबाश, हम इसलिए प्रेफर करते हैं बच्चे क्योंकि वहां पर हमारी आईज क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, बात समझ, बोलो सर, इसका मतलब जो साइंटिस्ट है वो डी बाई एफ देखते हैं जब वो 1/df देखते हैं, दोनों देखते हैं बच्चे, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो दोनों देखते हैं, अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किया हो लड़के तो तुझे पता है कि किसी भी चीज की इमेज दो बार ही नजर आती है, जब तू उसको घुमाता ना, एक बार क्लियर नजर आती है, फिर ब्लर होती है, फिर क्लियर नजर आती है, देखे कभी ऑब्जर्व किया तूने इसको,
दो बारी दो। तो ये बच्चे डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास कि बैटर हमारे पास यहाँ पर। अब तो ये खत्म हो गया बच्चे, अब तो ये खत्म हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गए, उसको देखने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मैं लैपटॉप पे तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे बैठा होता है, और वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वगैरह सब देख रहा होता है, हाइड्रोजन एटम कैसे हैं, कार्बन के एटम कैसे, वो ऐसे देख रहा होता है। अब तो वो देखते भी नहीं है बच्चे, सारा कंप्यूटर देख के उनको डाटा पिक्चर बनाकर भेज देता। अब तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी बच्चे, ये पुराने टाइम थे, पुराने टाइम के अंदर साइंटिस्टों की आंखें बड़ी खराब हो जाती थी बेटा इस चक्कर में। मतलब कि हमारे पास इससे आप क्या, आप इससे बच्चे मेरे को नहीं लगता कि आप दुगना, आप सिर्फ बच्चे इससे ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा देख पाओगे सिंपल माइक्रोस्कोप से। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चल रहा है, जो कि क्या करने की कोशिश कर रहा है चीजों, वो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम तक के बच्चे हमारे पास पिक्चर खींच लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो इलेक्ट्रॉन जाकर एटम से टकराया, वो एक्साइट होकर डीएक्साइट, वो पिक्चर भी वो कैप्चर कर लेते हैं। मैंने काम किया हुआ उसके, मैंने उसके ऊपर काम किया और मैंने उसके ऊपर इन चीजों को देखा हुआ है कि वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। और ये सारा का सारा बच्चे आपको बता दूं 5 मार्क्स का आएगा बच्चे। ये आप देख लो बच्चे, इतनी बड़ी डेरिवेशन आपको 5, और अगर किसी बच्चे को शक है तो वो बच्चे आपका सैंपल पेपर देख ले, वो 5 मार्क्स के अंदर बच्चे सैंपल पेपर में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये तो रट के जाना बेटा। और ज्यादा किसको रट के जाना सर, ज्यादा रट के जाना टेलीस्कोप को, टेलीस्कोप देता होता है वो माइक, ये इस पे न्यूमेरिकल दे देगा, बच्चों वाले न्यूमेरिकल दे देगा बच्चे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या न्यूमेरिकल दे देगा, देखते हैं बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, वी हैव अ सिंपल माइक्रोस्कोप, वी हैव हमारे पास है अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मेरे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप, वी हैव अ सिंपल माइक्रोस्कोप विद, आपके पास यहाँ पर विद द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर 20, बहुत गप मार रहा है, इतनी होती नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर आपके पास कितने के बराबर है, 20, गप है, एक नंबर की गप है, सिंपल माइक्रोस्कोप इतनी नहीं देता बच्चे। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको यहां पर फोकल लेंथ बतानी है बच्चे, कैलकुलेट द फोकल लेंथ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। चले बेटा करें क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा बच्चे, वो आपको क्या बता रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ डी बाई एफ, खुद ही तो बता रहा है वो। और यहां पर क्योंकि इमेज यहां पर बन रही है तो हम मैग्नीफाइंग पावर को इसको लेंगे। अगर टीचर यहां पर इंफिनिटी बोलता, टीचर यहां पर रिलैक्स आई बोलता, फिर काके आप क्या करते बच्चे बताओ, शाबाश। तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ से। वर्ड पे ध्यान देना, मैग्नीफाइंग पावर 20 है एंड 1 प्लस ऑफ डी, अब बगैर पूछे ले लेना है कि ये 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालनी है, जल्दी बता दो बच्चे अब क्या आ जाएगा। ये मेरे पास 25 डिवाइड बाई एफ, तो मेरे पास यहां पर 25 डिवाइडेड बाई एफ, इसका कर्सर भी गायब हो जाता है। सो वी हैव 25 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 19, तो एफ इज इक्वल टू 25/19 सेंटीमीटर, याद रख लो। और अगर टीचर इसमें पावर ऑफ लेंथ पूछ लेता तो क्या जवाब देते, पावर ऑफ लेंथ को पूछ लेता तो पावर ऑफ लेंथ इज 1/f, लेकिन किसके अंदर, मीटर के अंदर। मैं आपको सारे पॉसिबल बता रहा हूं कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर 19 नीचे 25, लेकिन बच्चे मीटर में करना है, तो इंटू 10^-2, ये ऊपर चला जाएगा, पावर इज इक्वल टू 19/25, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये बच्चे हमारे पास 6 और 3, तो बच्चे 76 डायोप्टर, ये आ जाएगा। यहाँ पे टीचर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, इसी क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर एट रिलैक्स्ड आई, तो कोई बच्चा बता सकते हैं।
तो रिलैक्स द आई के लिए अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, वो बच्चा हमारे पास डी बाई एफ है, और हमारे पास जो गिवन है वो एम इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ डी बाई एफ है। तो आप बताओ बच्चे, आपके पास यहाँ पर एम माइनस ऑफ वन किसके बराबर है, एम डैश। तो मैग्नीफाइंग पावर एट रिलैक्स्ड आई कितने के बराबर है, 20 माइनस वन, तो कितने के बराबर आ जाएगी, 19 आ जाएगी। और हाँ, ये भी पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास x का फैक्टर जरूर यूज करना बच्चे, क्योंकि यूनिट्स होती है। कई टीचर कई किताबें इसको इग्नोर कर देते हैं, पर कई किताबें इग्नोर नहीं करती। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया कि आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना आना बिल्कुल सिंपल सा बच्चा, हमारे पास क्या आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या, ग्लास इज रेटेड 6x, अ ग्लास इज रेटेड 6x, ये भी बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी मैग्नीफाइंग पावर नहीं हो जाती है। फॉर द नॉर्मल आई या नॉर्मल विजन। अब नॉर्मल विजन का मतलब है इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे बच्चे। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास इफ दे अगर बच्चा हमारे पास इफ दे आपके पास यहां पर फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास इज आपके पास एफ, अगर ये एफ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। अब वो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है कि m इज इक्वल टू d बाई एफ, 6 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास d, तो 25 सेंटीमीटर बाई एफ। यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/4 ऑफ मीटर इंटू एफ बच्चे। तो आपके पास f इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास f या आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, द एफ विल बी इक्वल टू 1/25 ऑफ मीटर। तो पावर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आएगी, 24 डायोप्टर। हो जाएंगे बच्चे माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन, कर लोगे, पहले वाले तो करके बताए नहीं, कर लोगे, चलो ठीक है, चलिए बच्चे। सो अब हम इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट